अतिक्रमण करने वालों और अवैध निर्माण करने वालों को बस एक मौका चाहिए होता है। इधर यहाँ सारा प्रशासनिक अमला कोरोना महामारी को निपटाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर कुछ मौका परस्त लोग अपना उल्लू सीधा करने में लग गए हैं। नेला तालाब में भराव डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है कि इस आपदा में कोई भी न तो देखने वाला है और न ही सुनने वाला है। इस अवैध भराव को डालकर अतिक्रमण करने की शिकायत महावीर नगर विकास समिति द्वारा जिला कलेक्टर को की। ज्ञापन में लिखा गया कि सेक्टर 14 स्थित नेला तालाब के पेटे में अमरनाथ पार्क विकास समिति की तरफ लगातार भराव डाला जा रहा है तथा अब तक 300 से 400 डंपर मिट्टी का भराव किया जा चुका है। भराव से पूर्व पक्की दीवार व एक कमरे का भी निर्माण करवाया गया था। पक्का निर्माण करवाने एवं भराव करने से बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जैसा कि वर्ष 2006 में बनी थी। साथ ही भराव करने एवं पक्के निर्माण से तालाब का प्राकृतिक स्वरूप भी बिगड़ रहा है। नेला तालाब की बाहरी दीवार तक नगर निगम द्वारा 2006 में पत्थर के मुटाम लगाकर झील पेटा घोषित किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा भराव गैर कानूनी है। फिर भी व्यक्ति विशेष द्वारा भराव डालकर गैर कानूनी कार्य किया जा रहा है, अतः निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जल स्रोत को बचाने के लिए भराव रुकवाने तथा डाला गया भराव पार्टी द्वारा ही उठवाने एवं निर्माण कार्य को तुड़वाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। ये देखिए, सेक्टर 14 के नेला तालाब के अंदर झील पेटे के अंदर लगातार भराव डाला जा रहा है। श्रीमान संगम मिश्रा जी सेंट्रल अकेडमी वाले ये झील के प्राकृतिक स्वरूप के साथ में छेड़छाड़ है। ये झील का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो जाएगा और कानून के अनुसार भी झील पेटे के अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, जबकि इन्होंने लगभग 500 डंपर इसके अंदर भराव डाल दिया है। अब तक कई बार मना करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब पूरा प्रशासन आज जब कोरोना से निपटने में लगा हुआ है तो ये उस मौके का फायदा उठा करके लगातार दिन रात करके भराव डाल रहे हैं। प्रशासन से विनती है कि इस अवैध कार्य को तुरंत रुकवाया जाए और जो भराव डाल दिया गया है वो इसी पार्टी के द्वारा हटवाया जाए।